जिहाद पे ऊंचा बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। CAA और NRC को लेकर लगातार EMU में विरोध प्रदर्शन जारी है। आलम यह है कि अब तक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कामकाज ठप पड़ गया है, क्लास शुरू नहीं हुई है और वहां पढ़ने वाले स्टूडेंट्स ने एग्जाम भी बॉयकॉट करने की धमकी दी है। छात्रों की मांग है कि जब तक एमयू में वाइस चांसलर को नहीं हटाया जाएगा तब तक वो ना तो क्लास करेंगे और ना ही एग्जाम देंगे। मैं सुहेल खान डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स के हिस्से से इस तमाम क्लास ब्रैकेट की अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बरादरी को ये मैसेज पहुँचाना चाहता हूँ, जब तक हमारे जनाब वाइस चांसलर साहब रेजिग्नेशन नहीं देंगे तब तक हम ये बॉयकॉट करते रहेंगे क्लासेस का भी और एग्ज़ाम का। सबसे बड़ी मांग हमारी यही है, जब तक ये हमारे वाइस चांसलर साहब रेजिग्नेशन नहीं देंगे हम इनका इस्तीफा चाहते हैं। ठीक है सर, जैसे कि कल VC साहब ने अपील की है उसको लेकर क्या कहना चाह रहे हैं? VC साहब ये स्टूडेंट को मतलब डिवाइडेशन कराना चाहते हैं, आपस में क्लैश कराना चाहते हैं। वो तो ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द स्टूडेंट क्लैश हो जाएं और आपस में मतलब धरना खत्म हो जाए, प्रोटेस्ट खत्म हो जाए। ऐसा कुछ नहीं है, बच्चों में इत्तेहाद बहुत है, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। जैसे उन्होंने कहा कि अगर एग्ज़ाम नहीं देंगे तो यूनिवर्सिटी बंद कर दी जाएगी, उसके लिए क्या कहना चाहिए? ऐसा भी कुछ नहीं होगा, यूनिवर्सिटी ऐसे कोई बंद नहीं होती है। ये वाचन साहब भी खुद की रेजिग्नेशन नहीं दे सकते, इसमें भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की मांग होती है। सबसे पहले जितने भी हमारा ये नारा नहीं है कि AMU के 3 गद्दार, BCO और रजिस्ट्रार, तो इस बात पे भी हम बच्चे कर रहे हैं कोशिश। हमारी नहीं कोई एग्ज़ाम होगा ना कोई क्लास होगी। इससे पहले AMU के वाइस चांसलर ने छात्रों के अभिभावकों के नाम एक खुला खत लिखा था, जिसमें उन्होंने कहा था कि कुछ असामाजिक तत्व यूनिवर्सिटी के छात्रों का जीवन और करियर खतरे में डाल रहे हैं। प्रोफेसर तारिक मंसूर ने कई बार प्रदर्शन कर रहे छात्रों को समझाने की कोशिश की लेकिन उसके बाद भी कोई रास्ता नहीं निकला और स्टूडेंट्स अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए। हमारी ये क्लास बायकॉट की गई है। ये 15 तारीख के इंसिडेंट में जो यूनिवर्सिटी में पुलिस घुसी, पुलिस ने लाठ बर्बरता दिखाई स्टूडेंट के ऊपर, कुछ लोगों के हाथ भी फट गए बुरी तरह, लड़के को पीटा गया है, मुकदमे लिखे गए, फर्जी तौर पर गुंडा एक्ट लगाई गई है, यूनिवर्सिटी के लड़कों को ज़बरदस्ती हॉस्टल खाने पर खाली करने पर प्रेशर बनाया गया। अब जो लड़के वापस यूनिवर्सिटी खुली है तो लड़के बायकॉट इस चीज़ का कर रहे हैं कि यूनिवर्सिटी में हम जब तक कोई कामकाज या क्लास या एग्ज़ाम नहीं देंगे जब तक ये रजिस्ट्रार साहब और VC साहब का रेजिग्नेशन हमें नहीं देंगे। हम ऐसे VC साहब के सुपरविज़न में पढ़ाई नहीं करेंगे जो स्टूडेंट के खिलाफ है, जो स्टूडेंट को यहाँ से मारते हैं, भगाते हैं और हमें एक कुत्ते की तरह ट्रीट करते हैं। हम ऐसे VC साहब के सुपरविज़न में करेंगे। हम VC साहब की वजह से यहाँ नहीं, VC साहब हमारे स्टूडेंट की वजह से यहाँ बैठे। बता दें कि 15 दिसंबर को AMU में हुई पुलिस कार्रवाई को लेकर छात्रों ने जमकर नारेबाजी की, साथ ही साथ उन्होंने VC के इस्तीफे की मांग की। प्रदर्शन के दौरान हिरासत में ले गए छात्रों को भी पुलिस ने जांच के बाद रिहा कर दिया है। AMU के छात्रों का लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है। प्रशासन ने सुरक्षा के मद्देनजर AMU के आसपास भारी पुलिस की तैनाती की है ताकि किसी भी अप्रिय घटना को समय रहते रोका जा सके। अलीगढ़ से अकरम खान की रिपोर्ट।